नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 विद्युत रसायन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्ववर्ती भागों में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली क्या होती है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना किस प्रकार की जाती है, चालकता, चालकत्व तथा मोलर चालकता में परस्पर क्या संबंध होता है, किसी विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान किस प्रकार निकाला जा सकता है, कोलराउश का नियम क्या होता है तथा कोलराउश के नियम के विभिन्न अनुप्रयोग हम देख चुके हैं। इसके पूर्ववर्ती भागों में ही हमने फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में चर्चा की थी तथा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों की विद्युत अपघटन करवाने पर हमें इलेक्ट्रोड पर क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे सेल और बैटरी के बारे में तथा इसके साथ साथ हम देखेंगे कि संक्षारण कैसे होता है। संक्षारण के लिए हम लोग लोहे पर जंग लगने का एक उदाहरण लेंगे। आइए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सेल और बैटरी, ये दोनों नाम हम हमारे दैनिक जीवन में रोज सुनते हैं। हम दोनों को कॉमनली एक दूसरे के साथ यूज़ करते रहते हैं। हमारी दैनिक अभ्यास में हमें जिसे सेल बनाना चाहिए उसे हम बैटरी कह देते हैं तथा जिसे बैटरी कहलाना चाहिए उसे हम सेल बोल देते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि सेल और बैटरी में हमारे पास क्या अंतर है। बैटरी या सेल दोनों का उपयोग कहाँ करते हैं हम? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? सेल में क्या होता है? हमारे पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी सेल को बनाने के लिए हमारे पास एक एनोड तथा एक कैथोड होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रोड से सेल नहीं बन सकता है, अतः सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि बैटरी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोडों की संख्या दो से अधिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बैटरी छोटे छोटे सेलों का एक समूह होती है। एक बैटरी आमतौर पर क्या करती है? ऊर्जा का भंडारण करती है, वहाँ पर हमारी ऊर्जा संचित रहती है। जबकि सेल क्या करता है? उसमें उपलब्ध जो रसायन होते हैं उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। हमने बैटरियों को दो भागों में बांटा हुआ है। बैटरियां जिनको हम लोगों ने दो भागों में बांटा हुआ है, एक भाग है प्राथमिक बैटरी तथा दूसरे भाग होता है द्वितीयक बैटरी। प्रथम हम प्राथमिक बैटरी के बारे में चर्चा करते हैं। प्राथमिक बैटरी में अभिक्रिया केवल एक बार होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राथमिक बैटरी में होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। अगर एक बार अभिक्रिया हो गई तो हमें फिर से उसको विपरीत नहीं करवा सकते हैं, इसलिए कुछ समय के बाद वह निष्क्रिय हो जाती है और प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। इसलिए हमें उसे फेंक करके दूसरी बैटरी का प्रयोग करना प्रारंभ करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शुष्क सेल। शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक बैटरियां बहुत सस्ती होती हैं तथा डिस्पोजेबल होती हैं। कैसे? हमने प्रयोग लिया और फेंक दिया। ये इनकी बहुत सस्ती कॉस्ट के कारण ये अधिक प्रचलित होती हैं। आमतौर पर ये हल्की और छोटी होती हैं। जो छोटे छोटे हमारे उपकरण हैं जैसे घड़ी, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, रेडियो, इनमें इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आपातकालीन बैकअप या उच्च क्षमता वाले उपकरणों के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि उच्च क्षमता वाले उपकरणों में हमें अधिक मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जिनकी आपूर्ति इनके द्वारा संभव नहीं है। अब हम कुछ प्राथमिक बैटरियों की कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शुष्क सेल के बारे में, जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है और जिसे लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है। इसकी आकृति एक बेलनाकार होती है, एक बेलन की जैसी आकृति का नजर आता है, जिसमें एक जिंक का पात्र होता है। वह जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के बीचों बीच ग्रेफाइट की एक छड़ लगी होती है। वह ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है।
ग्रेफाइट की जो छड़ है यह एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, इस छड़ की सतह पर सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एनोड तथा कैथोड के मध्य के स्थान को अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट से भर दिया जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ चूर्णित किया हुआ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर डाल दिया जाता है। इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है और एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए हमारा जिंक जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। जबकि कैथोड जो कि हमारा ग्रेफाइट रोड है वह एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है। चालक तार की सहायता से ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं। कैथोड पर उपस्थित MnO2 तथा अमोनियम आयन इनसे क्रिया करके अमोनिया गैस का उत्पादन कर देते हैं। अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया जिंक आयन के साथ क्रिया करके एक जटिल लवण बनाती है। इस जटिल लवण का नाम होता है टेट्राएमीन जिंकेट सेकेंड आयन। इस सेल का जीवन लंबा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड हम यहाँ काम में ले रहे हैं सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में, वह अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण यह जिंक के कंटेनर के साथ में लगातार क्रिया करता रहता है, चाहे हम सेल को प्रयोग में लाएं या न लाएं, जिसकी वजह से जिंक कंटेनर में धीरे धीरे छेद होना स्टार्ट हो जाता है और सेल भी हमारा खराब हो जाता है। इस सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। जो विभवांतर हमें प्राप्त होता है उसका मान 1.5 वोल्ट होता है। ट्रांजिस्टर और घड़ियों में इसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। रिमोट, जो टीवी के रिमोट होते हैं, उनमें भी सामान्यतः हम इनका उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला सेल है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल एक हमारे शर्ट के बटन की आकृति का नज़र आता है, इसलिए हम इसे बटन सेल भी कह सकते हैं। कैसा नज़र आ रहा है हमें, एक बटन की आकृति का, इसलिए यह बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एनोड का काम कौन करेगा, जिंक अमलगम, ये हमारे पास एनोड का काम करेगा। जिंक और मर्करी का जो पेस्ट है हमारे पास में, उसे हम लोग बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक का पात्र होता है और उसके साथ मर्करी को भर दिया जाता है, इसे जिंक अमलगम कहा जाता है। कैथोड का कार्य कौन करेगा, ग्रेफाइट की रोड हमारे पास में यहाँ होती है, इसके चारों तरफ HGO और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इस सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है HGO तथा KOH, इन दोनों का पेस्ट मिलकर के विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करते हैं। इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न है। एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है, जिंक जिंक ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा कैथोड पर मर्करी ऑक्साइड मर्करी में अपचयित हो जाता है। पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हुई, इसके लिए हम इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को जोड़कर पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करते हैं। इस पूर्ण अभिक्रिया में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आयन उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पर इस सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने के कारण यह सेल पूरे जीवन में एक समान दक्षता से कार्य करता रहता है, जब तक इस सेल की लाइफ होती है। इस सेल की क्षमता लगभग कितनी होती है, 1.35 वोल्ट होती है और वो हमेशा मेंटेन रहती है। ड्राई सेल में क्या होता है, 1.5 वोल्ट की दक्षता स्टार्टिंग में तो देता है, लेकिन डे बाय डे उसकी दक्षता में कमी आती जाती है। जबकि बटन सेल या मर्करी सेल की दक्षता में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। जब तक इस सेल की लाइफ होती है, एक समान दक्षता से यह कार्य करता रहता है। इस सेल का डिस्पोजेबल उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, पूर्ण अभिक्रिया में देखिए, हमें अंतिम उत्पाद के रूप में मर्करी प्राप्त होता है। यह मर्करी हमारे वातावरण को दूषित कर देता है, तो यह होना चाहिए कि हमारा मर्करी वातावरण में प्रवेश करने की बजाय हम लोग उसे पुनः उपयोग में ला सकें।
इसलिए इसका उचित डिस्पोजेबल होना अति आवश्यक है। इस सेल का उपयोग हाथ घड़ी, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। अभी तक इस पाठ में हमने चर्चा की कि सेल तथा बैटरी में क्या अंतर होता है। सेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बैटरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो से अधिक होती है। बैटरियों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम क्रमशः प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल हम तो अभी तक दो प्रकार के सेलों की चर्चा कर चुके हैं, जैसे शुष्क सेल तथा मरकरी सेल। अब हम द्वितीयक बैटरियों के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। द्वितीयक सेल या संचायक बैटरी हम किन्हें कहते हैं, आइए इन पर चर्चा प्रारंभ करें। इन बैटरियों को रिचार्ज करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें हम एक से अधिक बार रिचार्ज कर सकते हैं। ये महंगी होती हैं, इनका हमें नियमित रखरखाव रखना होता है तथा इनकी रिचार्जिंग की हमें व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें फिर से रिचार्ज करना आवश्यक होता है। अर्थात इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। पोर्टेबल उपकरणों के लिए पारंपरिक रूप से ये कम अनुकूलित हैं, लेकिन लिथियम बैटरी पोर्टेबल उपकरणों के लिए उपयुक्त है। जिस प्रकार हम हमारे मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारा एक पोर्टेबल उपकरण है, जिसे हम आसानी से कहीं पर भी ला ले जा सकते हैं। द्वितीयक बैटरियों का उपयोग वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ हमें अधिक विद्युत भार की आवश्यकता होती है तथा हमें उच्च प्रदर्शन दिखाना होता है। आपातकालीन बैकअप, हाइब्रिड बैटरी और उच्च क्षमता वाले उपकरणों के लिए हमारी द्वितीयक बैटरियाँ सर्वाधिक उपयुक्त हैं। द्वितीयक बैटरी में हम सर्वप्रथम लैड संचायक बैटरी के बारे में जानते हैं। लैड संचायक बैटरी एक घनाभनुमा आकृति की होती है। इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। इसमें एनोड का कार्य लैड के द्वारा किया जाता है तथा कैथोड का कार्य लैड ग्रिड के द्वारा किया जाता है, जिसमें लैड डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। इस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में, आइए द्वितीयक बैटरियों में सर्वप्रथम हम लैड संचायक बैटरी के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह एक घनाभनुमा आकृति की बैटरी होती है। इसमें एनोड लैड का बना हुआ होता है तथा कैथोड लैड की ग्रिड होती हैं, जिनमें लैड डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में हम 38% सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जब इस बैटरी को उपयोग में लाया जाता है तो इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर लैड सल्फेट आयनों से क्रिया करके लैड सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि कैथोड पर लैड डाइऑक्साइड सल्फेट आयनों तथा H+ आयनों के साथ क्रिया करके लैड सल्फेट में अपचयित हो जाता है। अपचयित कैसे हो गया? यहाँ देखिए, हमारे पास में लैड डाइऑक्साइड में लैड की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 4 है, जबकि लैड सल्फेट में लैड की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई है। दूसरा, ये देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का योग हुआ है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है, या हम लोग क्या कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हुई, इसके लिए हम एनोड और कैथोड की अभिक्रियाओं को जोड़कर पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त कर लेते हैं। इस सेल में क्या हो रहा है कि एनोड और कैथोड दोनों पर एक ही प्रकार का पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है। एनोड तथा कैथोड दोनों पर उत्पाद के रूप में लेड सल्फेट ही बनता है। बैटरी चार्ज करने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। एनोड और कैथोड पर क्रमशः जो लेड सल्फेट होता है वो लेड और लेड डाइऑक्साइड में
परिवर्तित हो जाता है। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है उस समय सेल में अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। क्या होगा? लेड सल्फेट है, किस में बदलेगा? लेड में, लेड डाइऑक्साइड में, तथा H2SO4 जो कि एक विद्युत अपघटे है हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। इन बैटरियों का उपयोग सामान्यतः हम वाहनों में करते हैं, जैसे हमारी कार, जीप, बस, इनमें लेड संचायक बैटरियाँ लगी होती हैं। इनका उपयोग घर में रखे हुए इन्वर्टर में भी किया जाता है, जो आपातकाल की स्थिति में हमें विद्युत धारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये बैटरियाँ बहुत भारी होती है तथा महंगी भी होती हैं। अब हम दूसरे प्रकार के द्वितीयक सेल निकिल कैडमियम सेल के बारे में चर्चा करते हैं। निकिल कैडमियम सेल में एनोड कैडमियम धातु का बना होता है तथा कैथोड किसका होगा हमारे पास में? KOH व निकिल फोर ऑक्साइड युक्त धातु की ग्रिड होती है। सेल की कार्य अवधि लेड स्टोरेज सेल की तुलना में बहुत अधिक होती है, लेकिन ये बहुत अधिक महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इसकी आकृति भी शुष्क सेल के समान दिखाई देती है। जब सेल उपयोग में हो रहा है, यानी हम सेल को काम में ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो रहा है, उस समय सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है। इस सेल का विभव सामान्यतः 1.4 वोल्ट होता है। इन सेलों का उपयोग कैमरों में किया जाता है, जो कि सामान्यतः फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब हम एक विशेष प्रकार के सेल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे ईंधन सेल कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर रसायन के रूप में हम गैसों को काम में लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन या मेथनॉल को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इनके दहन से सीधे ही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इन्हें ईंधन सेल कहते हैं। सामान्यतः ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से जल बनाने वाली अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था विद्युत शक्ति को प्रदान करने के लिए। इस सेल में बनने वाला उत्पाद H2O होता है, अर्थात पानी होता है, जिसको संघनित करके द्रव के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है और उसका उपयोग पीने के रूप में कर सकते हैं। ईंधन सेल की बनावट सामान्यतः इस प्रकार की होती है। इस सेल में तीन अलग अलग भाग होते हैं। एक हमारी तरफ बायां भाग होता है, एक दायां भाग होता है और एक हमारे पास मध्य भाग होता है। ये भाग एक दूसरे से ग्रेफाइट के संरंध्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पृथक रहते हैं। हमारे पास यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है तथा दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। सामान्यतः विद्युत अपघट्य के रूप में KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन का उपयोग किया जाता है। एनोड वाले भाग में हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तथा कैथोड वाले भाग की तरफ से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। ये कार्बन के जो इलेक्ट्रोड है, इनमें प्लेटिनम या प्लेडियम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारी अभिक्रिया तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाती है। सेल में होने वाली अभिक्रियाएं निम्न है। एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है? हाइड्रोजन हमारा H2O के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तथा कैथोड पर ऑक्सीजन अपचयित होकर के OH आयनों का निर्माण करती है। एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को जोड़कर पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि एनोड पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, जबकि कैथोड पर चार इलेक्ट्रॉन है। अतः एनोड की रासायनिक अभिक्रिया को दो से गुणा करके जोड़ा जाएगा। इस सेल में पूर्ण अभिक्रिया देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अंतिम उत्पाद के रूप में सिर्फ H2O बनता है। H2O पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है, अतः यह सेल पर्यावरण प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है। यह सेल
पर्यावरण मित्र होते हैं, इको फ्रेंडली सेल होते हैं। इन सेलों की दक्षता सर्वाधिक होती है, इनकी दक्षता लगभग 70% होती है। अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्रों की क्षमता लगभग 40% होती है। उनकी तुलना में इन सेलों की दक्षता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सेल बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है। अभी तक हमने इस पाठ में चर्चा की कि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेलों में क्या अंतर होता है, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल दोनों को हम लोगों ने उदाहरण सहित समझा है तथा सबकी अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में जाना है, तथा हमने देखा कि हमारे पास एक तीसरे प्रकार का विशेष सेल भी होता है जिसे ईंधन सेल कहा जाता है। ईंधन सेलों की दक्षता सर्वाधिक होती है। ईंधन सेल हमारे इको फ्रेंडली सेल होते हैं क्योंकि उनमें अंतिम उत्पाद के रूप में H2O बनता है जो पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है। अब हम संक्षारण के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण को हम सामान्यतः कोरोजन भी कहते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया में शुद्ध धातुएं वातावरण में उपस्थित अशुद्धियों जैसे ऑक्साइड, CO2, जल वाष्प या अन्य गैसों से क्रिया करके ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं या किसी अन्य प्रकार के लवणों का निर्माण कर लेती हैं। यह प्रक्रिया धीमी या तेज किसी भी गति से हो सकती है। यह निर्भर करती है कि हमारे पास धातु कैसी है तथा रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए हमारे सामने किस प्रकार की परिस्थितियाँ उपस्थित है। यह पूरी प्रक्रिया को संक्षारण के नाम से जाना जाता है। संक्षारण के कारण धातुओं के ऊपर क्या होता है, उनके ऑक्साइडों की या लवणों की एक परत जम जाती है या लेपित हो जाती है। संक्षारण के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में उपलब्ध हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग हो जाना। चांदी सामान्यतः क्या होती है कि काली पड़ जाती है थोड़े समय के बाद में। कॉपर एवं पीतल पर हरे रंग का लेप हो जाना। कॉपर के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, वो हरे रंग के एक लेप से ढक जाते हैं। ऐसा अक्सर बारिश के मौसम में हमें देखने को मिलता है। या कॉपर के बर्तन को जहाँ हम लोग रेगुलर रखते हैं उस जगह से हटा के देखेंगे तो जिस सतह पर वो रखा हुआ होता है वहाँ पर एक हरे रंग का लेप चढ़ जाता है। ये सभी संक्षारण के अच्छे उदाहरण हैं। संक्षारण में क्या होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर के ऑक्सीकृत हो जाती हैं और अपना ऑक्साइड बना लेती हैं, अर्थात धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। धातुओं का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो किसकी तरह से काम करना स्टार्ट कर देती हैं, वो एनोड के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। संक्षारण में हम लोहे पर जंग किस प्रकार लगता है इसकी क्रियाविधि को देखेंगे। लोहे का संक्षारण जल तथा हवा की उपस्थिति में होता है। जल की मात्रा अधिक होने पर लोहे पर अधिक जंग लगती है। यदि हमारे पास वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बढ़ जाती है, तो भी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यदि जल में लवण भी उपस्थित हो, जैसा कि अक्सर समुद्र के किनारों पर होता है, समुद्री किनारों पर जो हवा होती है वहाँ पर लवणीय जल की वाष्प उपस्थित होती है, जिस कारण से वहाँ पर लोहे पर जंग लगने की गति अत्यधिक तीव्र होती है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है और बहुत धीमी गति से होती रहती है। लोहे पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या करता है, एनोड का कार्य करना प्रारंभ करता है। पूरे लोहे पर एक साथ जंग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। क्या होता है, लोहे के कुछ स्थानों पर जंग लगना पहले प्रारंभ होता है। लोहे के वह स्थान जहाँ पर जंग लगना प्रारंभ होता है वे एनोड का काम करते हैं, तथा उसके दूसरे भाग जहाँ पर अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं वो किसका काम करेंगे, वो कैथोड का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहे के ऊपर एक एनोड बन गया है तथा दूसरा कैथोड बन गया है, जिसमें हमारे पास आयरन एनोड का काम करता है तथा दूसरी अशुद्धियाँ कैथोड का कार्य करती हैं। अब यहाँ विद्युत अपघट्य कौन होगा, जल की बूंदें विद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। इस प्रकार एक लोहे के वस्तु पर छोटे से गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है।
जब लोहे पर जंग लगना प्रारंभ होता है तो लोहे के ऊपर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं। उनमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं आइए देखते हैं। जैसे कि आयरन इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीकृत हो जाता है तथा यह एनोड का कार्य करता है, इस पर निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। ये इलेक्ट्रॉन अशुद्धियों के पास जाकर के ऑक्सीजन तथा H+ आयनों के साथ क्रिया करके जल का निर्माण कर देते हैं। पूरे गैल्वेनिक सेल में क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके लिए हम इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि एनोड के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि कैथोड में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एनोड वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा करके कैथोड की अभिक्रिया के साथ जोड़ा जाना है। पूर्ण अभिक्रिया की प्राप्ति होने पर हम ये देखते हैं कि हमारा आयरन फेरस आयन में परिवर्तित हो गया है। यह फेरस आयन वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा इस अभिक्रिया में पुनः हमें H+ आयनों की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या होता है, अगर एक बार जंग लगना प्रारंभ हो गई तो वह नहीं रुकती है, क्योंकि अभिक्रिया में हर बार H+ आयन बनते रहते हैं जो कि कैथोड पर मुख्य क्रियाकारक होते हैं। फेरिक ऑक्साइड जल वाष्प की बूंदों से क्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है। जंग या रस्ट का एक साधारण फार्मूला इस प्रकार लिखा जा सकता है Fe2O3.xH2O। एक्स का मान यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। संक्षारण की रोकथाम, संक्षारण की रोकथाम करना अति आवश्यक है, क्योंकि हर साल हमारे करोड़ों रुपए संक्षारण की वजह से नुकसान में चले जाते हैं। संक्षारण की वजह से हमारे आयरन की वस्तुएं खराब होती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन वस्तुओं को पड़ता है जो हमेशा पानी के संपर्क में रहती हैं, जैसे बॉयलर, पानी के जहाज, पाइपलाइन। संक्षारण के कारण इनमें लीकेज आना प्रारंभ हो जाता है। इसे रोकने के लिए सबसे आसान विधि क्या है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि हमारी धातु की जो वस्तु है उसकी सतह वायुमंडल के संपर्क में न आ पाए। सबसे आसान प्रक्रिया ये हमारे पास होती है। वायुमंडल से धात्विक सतह का संपर्क काटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि धातु की सतह पर पेंट कर सकते हैं। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि आयरन के ऊपर रेड ऑक्साइड किया जाता है, किस लिए, उसको जंग से बचाने के लिए, आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए, या फिर अन्य रसायनों। रसायन ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, क्षारीय माध्यम का हो, क्योंकि अभिक्रिया कब प्रारंभ होती है, हमारे पास में H+ आयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया प्रारंभ होती है। यदि कोई क्षारीय रसायन है तो वह H+ आयनों को उदासीन कर देगा, तो कोई क्षारीय रसायन का लेप करके भी हम लोग संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि धातु की पृष्ठ पर या धातु की सतह पर एक ऐसी धातु का लेप लगा दें जो आयरन की रक्षा करे और दूसरे के साथ या दूसरे क्रियाकारकों के साथ वो स्वयं क्रिया कर ले, लेकिन आयरन की रक्षा करती रहे, जैसे कि टिन और जिंक इस प्रकार का कार्य करते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की परत को चढ़ा देना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है तथा इस प्रकार का आयरन जो हमें मार्केट में प्राप्त होता है उसे GI कहते हैं। GI का मतलब क्या होता है, G का मतलब है गैल्वेनाइज्ड, I का मतलब है आयरन। GI का फुल फॉर्म हमारे पास क्या हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं, गैल्वेनाइज्ड वायर होते हैं, गैल्वेनाइज्ड शीट्स होती हैं, हमारे पास लोहे की बनी हुई 3 शीट्स होती हैं जिनके ऊपर जिंक की परत चढ़ी होती है। ये जिंक की परत रक्षा करती है आयरन की। जिंक खुद अपघटित हो जाएगा, खुद संचारित हो जाएगा, लेकिन आयरन की अंतिम समय तक रक्षा करता रहता है। एक अन्य विधि है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयरन की वस्तु को किसी सक्रिय धातु के साथ जोड़ दें। सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम और जिंक के साथ जोड़ दें। इस स्थिति में क्या होगा, हमारी आयरन की वस्तु कैथोड का काम करेगी तथा वो दूसरी सक्रिय धातु एनोड का कार्य करती है। जब एनोड का कार्य दूसरी धातु के द्वारा किया जाता है
तो आयरन की वस्तु का संक्षारण अपने आप ही बंद हो जाता है। इस स्थिति में अन्य धातु स्वयं संक्षारित होकर के अपने आप को नष्ट कर लेती है, लेकिन आयरन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देती है। इस विधि का उपयोग सामान्यतः बॉयलरों की रक्षा करने में किया जाता है। किसी चालक तार की सहायता से बॉयलर को मैग्नीशियम या जिंक के टुकड़े से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम हमारी आयरन की वस्तुओं की संक्षारण से रोकथाम कर सकते हैं। संक्षारण को हम न्यूनतम कर सकते हैं, इसे शून्य करना संभव नहीं है। इस पाठ में हमने विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करी, जैसे कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं हमारे पास में, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो बातों पर अत्यधिक ध्यान दिया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड हमारे कैसे होते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में हमारे एनोड और कैथोड क्या होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं। इस पाठ के अंदर हम लोगों ने विद्युत विभवांतर को समझा, किसी इलेक्ट्रोड का विभव किस प्रकार निकाला जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके एक सेल बना के उस सेल का विद्युत विभवांतर कैसे निकाला जा सकता है, नेसेट समीकरण की सहायता से विद्युत वाहक बल का मापन किस प्रकार किया जाता है, चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता में आपस में क्या संबंध होता है, मोलर चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है, कोलराउश के नियम क्या हैं तथा कोलराउश नियमों का अनुप्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सेल तथा बैटरी में क्या अंतर होता है, सेल तथा बैटरियां कितने प्रकार की होती हैं, जैसे प्राथमिक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, ईंधन सेल होते हैं, ईंधन सेल हमारे इको फ्रेंडली सेल होते हैं जिनकी दक्षता सर्वाधिक लगभग 70% होती है। हमने इस अध्याय में यह भी चर्चा की कि लोहे के ऊपर जंग क्यों लगता है, अन्य धातुओं पर जंग क्यों लगता है। जंग लगने की प्रक्रिया को हमने एक विद्युत रासायनिक सेल की सहायता से समझा कि जब लोहे पर जंग लगता है तो वहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे छोटे छोटे गैल्वेनिक सेलों का निर्माण हो जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम कैसे धीमा कर सकते हैं या उसे रोका जा सकता है, हमने जंग लगने की प्रक्रिया को रोकने की अलग अलग विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा की। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हम लोग किसी और अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।